विधानसभा को डिजिटल करने को लेकर एमओयू साइन हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ने एमओयू को साइन किया है। बता दें कि ये जानकारी हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने कहा कि एक साल पहले सपना देखा गया था कि विधानसभा को ई विधानसभा किया जाएगा, जिसके चलते काफी समय से प्रयास चल रहे थे जो कोविड के चलते संभव नहीं हो पाए थे। आज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट हरियाणा और हरियाणा विधानसभा के बीच एमओयू साइन किया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि ई विधान एप्लीकेबल हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर 16 स्टेट प्रयास कर रही हैं, मगर ये पूरी तरह से हिमाचल में शुरू हुआ है। हम भी इस प्रयास में जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज होना प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से 60% पैसा दिया जाएगा, जबकि 40% हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 12 करोड़ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से जबकि 8 करोड़ हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नेशनल ई विधान संस्था की तरफ से विधानसभा के कर्मचारियों को 3 वर्ष तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी इसमें रहने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा को डिजिटल करने से जो हजारों की संख्या में पेपर की प्रिंटिंग होती थी वो सेफ होगी। स्पीकर ने कहा कि बजट के बाद अगले सत्र के बाद इसको शुरू करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी टैब पर बजट पेश होगा। इस दौरान विधायकों को संदेश दिया गया कि अपना लैपटॉप लेकर आएं। सुनिए हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आई एम श्योर विद दिस एग्रीमेंट एंड आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिस प्रोजेक्ट विल अचीव इट्स गोल टू ट्रांसफॉर्म स्टेट लेजिस्लेचर बिजनेस इनटू डिजिटल हाउस सो एज टू ट्रांजेक्ट एंटायर बिजनेस ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इन पेपरलेस मोड इंक्लूडिंग information exchange with state government departments and laying all the papers, documents, reports electronically. Before I conclude, I once again thank all of you to be the part of such a great historical event today with the hope that the responsibility which has been entrusted to us by the government will be accomplished smoothly with your full cooperation. I once again thank you all of you and welcome again. एक MOU साइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। ये इसके पीछे हमारा मकसद जो हमने शुरू से कहा है कि हम विधानसभा को पेपरलेस स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी जो है वो सभी विधायकों को और अदर स्टेक होल्डर्स को मिले, ये हमारा प्रयास जो है वो शुरू से था और आज ये प्रयास मुझे लगता है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।